हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मजे में होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू रिमूव मैपिंग फ्रॉम योर लिस्टिंग। जी हां दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि आपकी जो भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होती है ना उसकी मैपिंग हो जाती है। मैपिंग होने के कारण आपको सेल लॉस भी काफी होता है, तो इसको कैसे हटाया जाए यही सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है seller.flipkart.com। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो उसके बाद राइट हैंड साइड में बॉटम में हेल्प सेंटर होगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च टाइप करना होगा आई वॉन्ट टू रिपोर्ट। जैसे आप इतना टाइप करोगे ना तो फर्स्ट ही आ जाएगा ब्रांड इंफ्रिंजमेंट, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे ये डिटेल्स दे रखी है, ये चीजें आपको चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट एंड ऑथोराइजेशन लेटर, दोनों में से आपको आपके पास एक होना चाहिए। जो आपने लिस्टिंग कर रखी है ना जिस ब्रांड से भी, उसका ब्रांड ऑथोराइजेशन लेटर या फिर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेकंड दे रखा है ना, प्लीज डाउनलोड द इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म। तो ये जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इसका ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है फिल इन द रेलिवेंट डिटेल्स एंड अपलोड द सेम अवर आईपीएन इन्फ्रिंजमेंट वेरिफिकेशन टीम, वो चेक करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगी, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो हमने फॉर्म डाउनलोड किया है ना तो उसे फिलअप कैसे करते हैं वो अब हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि हमने जो डाउनलोड किया था ना फॉर्म, ये ओपन हमने कर दिया है। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम एंटर करना है जो जीएसटी में है, ठीक है। उसके बाद एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो कंपनी जीएसटी में तो है वही है, प्लस ट्रेडमार्क में भी सेम ही होना चाहिए, दोनों जगह पे सेम कंपनी नेम होना चाहिए, ठीक है। वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपकी कंपनी का एड्रेस फुल एड्रेस पिन कोड के साथ यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई एम द ऑनर ऑफ सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड सेड ऑनर बीइंग नेम, यहाँ पे आपका जो प्रोप्राइटर है यानी कि जो ओनर है उसका यहाँ पे नाम एंटर करना है, यानी कि आप खुद ओनर है तो आपको यहाँ पे अपना नाम एंटर करना होगा। उसके बाद सेकेंड लाइन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थर्ड लिखा है आई मे बी कॉन्टेक्टेड एट, यहाँ पे फिर से आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद फिर से आपकी कंपनी का नाम लिखना है और फिर से आपको अपनी कंपनी का फुल एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी एंटर करनी होगी जो फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आप जो मैंने येलो मार्क कर रखा है ना हाईलाइट के साथ, वो ही सेम एज इट इज आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप अपनी कंपनी का नाम एंटर करना होगा। उसके बाद एंटर योर ब्रांड नेम, यहाँ पे अपनी ब्रांड का नेम एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको फाइलिंग डेट यानी जिस दिन आप फाइलिंग कर रहे हो वो डेट मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस दिया गया है, वहाँ पे आपको अपना सिटी का नेम एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा है ट्रूथफुली एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपके जो अगर खुद ओनर हो तो उसका स्टैम्प लगाना है होगा। उसके बाद आपको अपनी साइन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद सेकेंड पेज पे आपको आ जाना है। जिसे आप आ जाते हो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन इन्फ्रिंजमेंट, उसके बाद एक कॉपीराइट आइटम इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट लिस्टिंग कंटेंट इन्फ्रिंजमेंट, इन चारों में से क्या इशू आप फेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो आपको यहाँ से चूज करके बताना होगा टीम को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, मेरी लिस्टिंग किसी ने मैप की है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रेडमार्क लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन इन्फ्रिंजमेंट लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, लिस्टिंग हैज अन अनलॉफुल कंपैरिजन टू ट्रेडमार्क ओनर्स ब्रांड एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये थर्ड में ले लूंगा, थर्ड का फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड एंटर कर दिया और उसका फर्स्ट तो 3.1 कर दिया है। वैसे अगर यहाँ पे मैं अगर 4 लेता ना तो यहाँ पे 4.2 कर देता, क्योंकि सेकेंड लाइन का मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्क इनफ्रिंज यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्या करना है, तो जिस सेलर ने आपको आपकी लिस्टिंग को मैप किया है ना उस सेलर का आपको यहाँ पे डिटेल डाल देना है, सेलर का नाम और जो भी प्रोडक्ट आपके इसने मैप किए वो भी उसका लिंक यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आइटम नंबर भी दे रखा है, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे ये भी लिखा है प्लीज प्रोवाइड द ओनरशिप ऑफ ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है वो आपको इसके साथ अटैच करना होगा, प्लीज प्रोवाइड द एविडेंस एज टू द ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, ये आपको दे देना है, या फिर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है तो दोनों में से आपको एक देना होगा। इसको सेव करके प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको स्टैम्प कर देना है अपनी कंपनी के, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर कर दीजिएगा, सिग्नेचर करने के बाद आपको इसका स्कैन कॉपी करके फिर उसे भेजना है फ्लिपकार्ट की टीम को, ठीक है। तो जैसे उस फ्लिपकार्ट की टीम चेक करेगी, अगर आपका डिटेल सब सही होगा तो जिस सेलर ने मैप किया है ना उसको नोटिस जाएगा, अगर बार बार सेम प्रोसेस कर रहा है तो उस सेलर को ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।